हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वी लॉग में। दोस्तों अभी मैं मेरे गांव पे आया था और गांव पे आने के बाद अभी थोड़ा टाइम मिला तो खेत घूमने के लिए आया। ये मेरा खेत है, देखिए अभी यहाँ पर फसल उगी हुई है। ये पीछे जो आपको दिख रहा है वो कॉटन है, यानी कि कपास जिसको बोलते हैं, जिसमें से कॉटन के कपड़े बनते हैं, कॉटन के रुई यानी कि कपास जिसको गुजराती में बोलते हैं। तो वो अभी बोया हुआ है, अच्छी फसल है इस टाइम। और मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं ये है ना, वो मठ वगैरह आता है ना, जो हम खाते हैं कठोल वगैरह, वो उस टाइप का है। थोड़ी यहाँ पर मकाई बुई हुई है, तो पूरा ही देखिए अभी ग्रीन ग्रीन हरा भरा हमारा खेत है। और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, अभी शाम का टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी को भी व्लॉग बनाकर दिखा दिया जाए कि कैसा है मेरा खेत। अभी ये 20 एकड़ है, अभी 30 एकड़ आगे है, अभी ये 20 एकड़ ही है। आपको बैक कैमरा करके दिखा दे, देखिए आपको है ना वहाँ पर ये जो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक पूरा हमारा, यहाँ से यहाँ तक वो पिछला बाउंड्री है, वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा ये हमारा है। देखिए अभी का व्यू आप देखिए सिर्फ यहाँ का। अभी मैं है ना वो सैमसंग A34 में शूट कर रहा हूँ। और व्यू देखिए, ये देखिए चोली है, ये वाली चोली आपने देखी होगी, खाई होगी, जिसमें से दाने निकलते हैं इस वाले में। देखिए अभी इस टाइप का दाने दाने निकल। तो अभी खा रहा है, मस्त इंजॉय कर रहा है। और मैं घूमने गया था मेरे मामा के घर, रक्षाबंधन था तो वहाँ पर भी एक जगह थी झांझनाथ करके, वहाँ का भी मैंने वीडियो शूट किया है। आपने या तो ये आगे देख लिया होगा या तो ये अभी जो देख रहे हैं उसके बाद देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इंजॉय करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने देखा खेत आपको घुमा देता हूँ, तो खेत मैंने आपको घुमा दिया है, बने रहिएगा, कुछ अलग आपको दिखाऊंगा। ये व्यू है ना जबरदस्त आ रहा है, और इसका ही मैं थंबनेल बनाऊंगा। थंबनेल यानी कि जो वीडियो में रखूंगा उसके पहले ऊपर पोस्टर जो बनेगा वो ये रहेगा, देखिए। और आपको यहाँ पर से गुजरात यानी कि है ना धरती का स्वर्ग दिखाऊंगा। ये नहीं, ये तो सब स्टेशन है 11 KV, इसमें अगर हम जाएंगे ना तो डायरेक्ट भगवान के पास पहुँच जाएंगे। अभी के टाइम नहीं दिख रहा है, वरना जो धूप रही कर रही है वहाँ पर पहाड़ें दिखती है, गिरनार वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखिए ये है, और आपको दिखाता हूँ कुआ जिसमें पानी भरा रहता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, वाव जिसको बोलते हैं। यहाँ पर पानी आता है, पानी हम यूज करते हैं यहाँ से नहाने धोने के लिए। और ये है हमारा कुआ, इसमें पानी भी ऊपर तक है, ये है झोपड़ी जिसको बोलते हैं। अभी मैं मेरे मामा के घर पे आया था, उसके गांव के बाजू में ही एक महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पर मैं बहुत ही सालों पहले आता था जब छोटा था। अब मैं है ना बड़ा हो चुका हूँ, आपको पता ही है। तो अभी उसके बाद है ना 10-12 साल के बाद आया हूँ। देखो अभी का नज़ारा, पहले है ना जो अभी पुल देख रहा है वो नहीं था, नीचे से होकर जाना पड़ता था, लेकिन अभी पुल बन चुका है। फिर भी अभी वहाँ ऊपर है ना थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो उसमें जाएंगे हम। पानी जा रहा है मेरे मामा का लड़का, अभी इसमें जाना है मेरे को। वाओ वाओ जबरदस्त व्यू है, देखो इधर पूरा। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, और इसमें से हमको होके जाना है। किधर जाना है अक्षु? चलो उधर भी देखो, जाननाथ महादेव जी का मंदिर है सामने। चल भाई पानी में कूद। यहाँ पे थोड़े लोग नहा रहे हैं, नकिन हो भाई। देखो ये है मेरे मासी के लड़के सब, और ये है मामा का लड़का। अभी सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। क्या खा रहा है? ना झांझनाथ महादेव, पीपल का पेड़ है, और यहाँ पर सारे भक्त आए हैं, अभी खाना खा के बैठे हैं और सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यह जाननाथ महादेव जी का मंदिर। चलो आपको भी दर्शन करवाता हूँ। Thank you.
टीका लगा दिया। ना बस इतना ही रखते हैं, वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।